महाराष्ट्र की राजधानी दिल्ली में सोमवार को दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन भाई सांझी भाई डेलकर के संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार उनका शव मुंबई के होटल में मिला है और ये आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। होटल से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और छानबीन कर रही है। मुंबई के होटल सी ग्रीन मरेन में उनकी शव मिली है। एक सुसाइड नोट भी इसके साथ ही बरामद हुआ है जो गुजराती भाषा में लिखी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है, लेकिन किसी अन्य आशंका पर भी जांच जारी है। मोहन डेलकर की उम्र 58 साल की थी। साल 1989 में वे दादर और नगर लोकसभा क्षेत्र से जीत कर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने ट्रेंड यूनियन नेता के तौर पर की थी। वे कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुके थे। बाद में उन्होंने भारतीय नौशक्ति पार्टी यानी BNP का गठन किया था। साल 2019 में उन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग करने का फैसला ले लिया और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। वे 7 बार सांसद रह चुके थे। डेलकर मई 2019 में 7वीं बार सांसद निर्वाचित होकर सांसद पहुंचे थे। वे कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं अन्य मामलों संबंधी लोकसभा की अस्थायी समिति के सदस्य भी थे। वहीं वे गृह मंत्री संबंधी निम्न सदन की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। अभी उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि क्या ये आत्महत्या ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव।